कैसे उसके पास इतने पैसे आ गए और आपके पास इतने इंजीनियर होके भी, कि आज के बाद आप ना ही हमसे कुछ पूछ सकती है ना ही हम आपको कुछ बताएंगे, क्यों माता जी? इसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकते। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अरे ऐसे कैसे? तुम ये दामाद जी, भला आप क्यों जाएंगे यहाँ से? कैसे उसके पास इतने पैसे आ गए और आपके पास इतने इंजीनियर होके भी आप कुछ नहीं कर पाए? दीदी देखा ही वहां पे कैसे आपके इंजीनियर ने ऑटो खराब कर दिया, फिर भी सावी ने वो शुरू कर दिया, सब दिखाई दे रहा है। बहुत गलत हो ये सावी की वजह से, और उधर से सब देख रहे हैं और उधर उन्होंने अनाउंस किया और सबने क्लैप करना शुरू कर दिया। यही तो फैसला लिया कि आज के बाद आप ना ही हमसे कुछ पूछ सकती है ना ही हम आपको कुछ बताएंगे, क्यों माता जी? जातिया जी एकदम सही कह रहे हैं, यही हमने फैसला लिया है। और क्या फैसला ले इसकन जी बताइए। देखिए सोनम जी, और रक्सम को एमडी की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि सारे वोट्स आपके खिलाफ है। से मेरा अधिकार नहीं छीन सकते, मैं कहीं नहीं जा रही। से मेरा अधिकार नहीं छीन सकते। कौन सा अधिकार? हाँ सोनम जी, आप इस फाइल को पहचान दी? आप ही ने साइन किया था ना? हाँ इन्होंने ही साइन किया था ना? आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है मैडम जी। आपकी ये साइन और इस मैनेजमेंट के फैसले के अनुसार आपको सीईओ का पद छोड़ना ही पड़ेगा, है सोनम जी? चलिए उठिए यहां से। लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है सोनम जी, इतनी जल्दी भूल गए आप कि आपने ही साइन किए थे इस पर। मुझे जो कुछ भी कहना वो मैंने कह दिया। अगर आप सबको लगता है कि मैं गलत हूं तो इसी वक्त मैं यहां से चला जाता हूं, उसके बाद बेशक आप चाहें तो उन लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना मदद ना करो। देखो साहब,
मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं, ना ही तुम पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर। मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर से कह रहा,